और मुकेश कुमार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिर क्या है इस्तीफे की वजह? क्या अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर अखिलेश यादव की वो चार चौकड़ी, जैसे नीतीश कुमार की चार चौकड़ी बिहार में थी, उनकी पार्टी को आज बर्बाद करने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, जिस तरीके से तेजस्वी यादव से अलग करके नीतीश कुमार को भाजपा में शामिल करवा दिया है, क्या अखिलेश यादव की टीम में भी, अखिलेश यादव की पार्टी में भी ऐसे ही चार चौकड़ी है? इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने से पहले क्या लिखा है, उन्होंने कहा कि जब से समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ, लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश करा। सपा में शामिल होने के दिन से ही मैंने एक नारा दिया था, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। हमारे महापुरुषों ने भी इसी तरह की लाइन खींची थी। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक नारा दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की। बात करें अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, तो उन्होंने भी सोशलिस्टों, उन्होंने कहा था कि सोशलिस्टों ने बांधी है गांठ, पिछड़ा पावे 100 में सार। शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा ने भी इसी तरह की लाइन दी थी। रामस्वरूप वर्मा जी ने भी यही कहा था कि 100 में से 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के महानायक कांतिराम बाबा साहब ने भी यही कहा था कि 85 बनाम 15 की हमारी लड़ाई है। किंतु पार्टी द्वारा लगातार इस नारे को निष्प्रभावी करने एवं 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि सैकड़ों प्रत्याशियों का पर्चा व सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों को बदलने के बावजूद पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहा। उसी का परिणाम था कि सपा के पास जहां पर मात्र 45 विधायक थे, वहीं विधानसभा चुनाव 2022 के बाद यह संख्या 110 विधायकों की हो गई थी। उसके बावजूद बिना किसी मंशा के मुझे विधानसभा में भेजा गया, उसके लिए मैं राष्ट्रीय महासचिव, जिस तरीके से मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाकर विधान परिषद भेजा गया, उसके लिए मैं अखिलेश यादव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसके इतर पार्टी को ठोस जनाधार देने के लिए जनवरी फरवरी 2023 में मैंने आपको एक सुझाव दिया था, अखिलेश यादव को कहने के आपको सुझाव दिया था, जातिगत जनगणना को लेकर, अनुसूचित जनजाति और तमाम सारे पिछड़ों के आरक्षण को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, तमाम सारी चीजों को, लोकतंत्र और संविधान को बचाने को लेकर, देश के राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने को लेकर देशव्यापी भ्रमण कार्यक्रम करके एक रथ यात्रा निकालने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर आपने सहमति देते हुए कहा था कि होली के बाद इस यात्रा को निकाला जाएगा। आश्वासन देने के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। नेतृत्व की मंशा के अनुरूप मैंने पुनः कहना उचित नहीं समझा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव करना चाहते थे, लेकिन उनके चार चौकड़ी, कुछ ऐसे सलाहकार जो अखिलेश यादव को समझाने में सफल रहे, उनकी वजह से मैं फिर आपको दोबारा इन चीजों पर मैंने कोई बात नहीं की। पार्टी का जनाधार बढ़ाने का क्रम मैंने अपने तौर तरीके से जारी रखा। इसी क्रम में मैंने आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों और जो ना जाने अनजाने में भाजपा के मकर जाल में फंसकर भाजपामय हो गए थे, उनके सम्मान व स्वाभिमान को जगाकर उन्हें वापस आपके पास लाया। और कुछ आपके छोटे भैये नेता, कुछ बड़े नेता मौर्य जी का ये निजी बयान बता रहे हैं, जो मेरा बयान होता है उसको निजी बयान कहकर इस धार को कुंठित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनका कहना यह है कि मैंने किसी तरीके से जो भाजपा में हो गए थे कुछ लोग, उनको मैंने खींचकर इधर लाया, लेकिन हमारी जब जो मैं वहां पर बोलता हूं, ढोंग ढकोसरा के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, आडंबर के खिलाफ जब प्रहार करता हूं, तो यही लोग, कुछ आपकी ही पार्टी के छोटे भैया नेता, कुछ बड़का नेता, मतलब अलग अलग तरीके से मेरे व्यक्तिगत विचार उसको बताने लगते हैं, क्योंकि मैं तो भारतीय संविधान के निर्देश के क्रम में लोगों को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा होने, लोगों को जागरूक करने का अभियान लगातार चला रहा था। अभियान के दौरान मुझे गोली मारने, हत्या कर देने, तलवार से सिर काट देने, कलम कर देने, जीभ काट देने, नाक काट देने, कान काट देने आदि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा धमकियां, हत्या करने, 51 करोड़ 51 लाख 21 लाख 11 लाख 10 लाख आदि विभिन्न भिन्न भिन्न रकम मतलब सुपारी मेरे को दी गई। अनेकों बार जानलेवा हमला हुआ। यह बात मतलब आपने भी देखा होगा कि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमले भी हुए हैं। प्रत्येक बार मैंने अपने आप को बाल बाल बचाकर, उल्टे सत्ताधारियों द्वारा मेरे खिलाफ अनेकों FIR भी दर्ज कराई गई, किंतु अपनी सुरक्षा को बिना चिंता किए अपने अभियान में निरंतर चलता रहा। मतलब कहने का मतलब यह कि बिना अपनी जान की परवाह करते हुए पार्टी के लिए काम करता रहा, लेकिन आपके छोटे भैया नेता मेरे ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता चुप रहने के बजाय मौर्य जी का निजी बयान बताकर कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ने की कोशिश की। मैं नहीं समझ पाया, एक राष्ट्रीय महासचिव मैं हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान नहीं होता, और पार्टी के कुछ जो छुट भैये, मतलब एक महासचिव और नेता जो का अगर ऐसा बयान आता तो आप लोग उसको निजी बयान कह देते हैं, और उसी स्तर के कुछ पदाधिकारी जो कुछ निजी और कुछ पार्टी का बयान, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य का कहने का मतलब है मैं कुछ कहता हूं तो मेरा वो निजी बयान हो जाता है, जबकि मेरे अलावा कुछ और जो हमारे ही लेवल के नेता हैं वो कुछ कहते हैं तो वो पार्टी का बयान हो जाता है। मैं नहीं समझ पाया, एक राष्ट्रीय महासचिव में हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान
हो जाता है और पार्टी को कुछ और राष्ट्रीय महासचिव व नेता जिनका हर बयान तो कहा जाता है कि जो एक स्तर पदाधिकारियों में कुछ ऐसे निजी और कुछ उनका बयान पार्टी का बयान होता है और हमारा बयान निजी बयान कैसे हो जाता है और यह समझ से परे है। दूसरी हैरानी की बात यह है कि मेरे इस प्रयास से आदिवासियों दलितों पिछड़ों का एक रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है, लोग इससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग अंबेडकराइट हैं जो पाखंडवाद का विरोध करते हैं उन लोगों का समाजवादी पार्टी से जुड़ना लगातार उसका विस्तार हुआ है। लेकिन यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी अगर भेदभाव होता है कि एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का बयान होता है और मेरा बयान निजी बयान हो तो मैं समझता हूं कि ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। पद के बिना भी पार्टी को सशक्त बनाने के लिए तत्पर रहूंगा। आप द्वारा दिए गए सम्मान स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बाकायदा उसमें लिखा है। लेकिन अब इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्योंकि जब जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार जो आडंबर और पाखंडवाद और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यक्रमों का विरोध किया या ऐसे किया तो इन्हीं के पार्टी के कुछ छुटभैया नेता देख सकते हैं, ये तमाम सारे नेता हैं जो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं। लेकिन भाग तब हो जाती है जब पार्टी के ही वरिष्ठतम नेता ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उनका निजी बयान बता देते हैं, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से फायदा किसको मिलना है? समाजवादी पार्टी को। फायदा सत्ता में कौन आना है? समाजवादी पार्टी। तो अब यह नहीं समझ में आता कि अखिलेश यादव एक पैर मतलब दो दो पैर नाव पर पैर क्यों रखना चाहते हैं। जैसे नीतीश कुमार को यह समझाया गया कि इन इन नेताओं की वजह से आपकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो आपने देखा होगा बिहार में किस तरीके से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर पलटा मारकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन हालांकि बाद में पछता रहे थे। वैसे ही अखिलेश यादव के इर्द गिर्द आप देखेंगे जितने भी नेता आप पाएंगे वही चाटुकार, उनको जो नाम दे सकते हैं आप वो नाम दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमले हुए हो या कुछ भी हुआ हो, उन्होंने पार्टी के लिए किया है। अगर पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत बयान तो हो नहीं सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर एक लेवल पर रहने वाले दो नेताओं के बयानों को अलग अलग तरीके से तहजीब दी जाएगी तो वो भी कहीं ना कहीं, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का हौसला टूटता है। मान लो हमारा नेता या किसी का नेता है उसने एक बयान दे दिया, अब उसी पार्टी के बड़ा नेता कहता है भैया वो तो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड था। और एक और देखिए, उन्होंने कहा कि जब 2022 चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव में कई सारे प्रत्याशियों का टिकट भी कटा था, टिकट देने के बाद फिर से उनका टिकट बदलाव हुआ था, तो कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी कहानियां हैं। और दो आईपी सिंह तो आप जानते होंगे, आईपी सिंह, रोली तिवारी, मनोज पांडे, इनके बयान तो लगातार आ ही रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको इनके मतलब आप एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तरीके, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तरीके से आपकी पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए आपके ही नेता जो वरिष्ठ नेता एक शब्द नहीं बोलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बयान देते हैं जिससे आपकी पार्टी को फायदा होगा, उसके लिए बताते हैं भैया वो तो उनका व्यक्तिगत उनका बयान है। तो ये कहीं ना कहीं कई सारे कारण हैं। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो ये कारण थे, लेकिन इसका सटीक कारण मैं आपके बीच में जरूर लेकर आऊंगा पूरा विश्लेषण के साथ, और क्या थे इन सब नेताओं के संबंध और क्या हुआ है इन सब के बीच में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है, कॉमेंट करके जरूर बताएं।